सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं और अनोखा, आप देख रहे हैं रेस्ट टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक नया प्रोडक्ट ला कर रखा हुआ है, जो कि है एक फ्रेंड फैन हीटर, जो कि मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है और यह है A1 ब्रांड का। और गाइस, ये ऑनलाइन का जो बॉक्स है, इन लोगों ने ग्रीन पैकेजिंग को काफ़ी दिल पर ले लिया है। और ये जो बॉक्स है फ्रेंड्स, मेरे को ऐसे ही रिसीव हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका बिल है और मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरे को पड़ा है फ्रेंड्स 850 रुपीज़ का, और इसमें 1 ईयर की वारंटी आती है। और यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स हाइड किया हुआ है, और यहाँ पर आर एस टेक्निकल के नाम से ये पार्सल आया है। और ये बेसिकली फ्रेंड्स, ये था 1100 कुछ रुपीज़ का, बट ये मेरे को ऑफ़र में 850 का पड़ा, तो इसे मैंने ले लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, 2 हीटिंग लेवल्स और इंडिकेटर लाइट, और उसके बाद यहाँ पर 240 वोल्ट्स। बट यहाँ पर ये कितने वाट्स का है, ये यहाँ पर इन लोगों ने नहीं दिया, तो खैर कोई नहीं। बट ये अप्रॉक्स फ्रेंड्स, ये 2000 वाट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल सा बॉक्स। और उसके बाद हम इसे फटाफट से ओपन करते हैं। और गाइस, लिटरली ये मेरे को ऐसे ही आया है, आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल ऐसा। तो अभी हम फटाफट से इसे बॉक्स करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं, मैंने इस बॉक्स को खोल लिया है, और यहाँ पर ये कुछ हमारा एक हीटर है जो कि ब्लैक कलर में है। मैं इसे निकाल लेता हूँ और इसे रखते हैं फ्रेंड्स साइड में, और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो बॉक्स के अंदर फ्रेंड्स, एक यहाँ पर हमें बिल नज़र आ रहा है, उसके बाद हमारा जो बॉक्स है फ्रेंड्स, वो खाली है, तो इसे मैं हटा लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा बिल है। आप इसे चाहें तो फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं। इसमें आर एस टेक्निकल के नाम पर मैंने ऑर्डर किया था, तो ये वही आया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये मैं 1175 रुपीज़ का है, और ये मेरे को ऑफ़र में पड़ा फ्रेंड्स 850 का। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा बिल। और उसके बाद बिल को साइड में रखते हुए हम आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, और ये पॉलिथीन नॉर्मल का, इसमें ये पैक हुआ है, और वाइट कलर का केबल, और ये जो पॉलिथीन में एक वारंटी कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, A1 ब्रांड का वारंटी कार्ड। और इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली कुछ लिखा तो नहीं है, बट हम इसे ऑनलाइन वारंटी में क्लेम कर सकते हैं, तो ये वारंटी कार्ड भी हमारे कोई काम का नहीं है, बेसिकली ये हमारे लिए एक लव लेटर है। तो इसे हम साइड में रखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा फ़ैन हीटर हो गया। इसका जो केबल है, इसे कुछ पेपर टेप के इसे बांध के रखा हुआ है, वही नहीं, इसे भी हम फटाफट से खोल लेते हैं। मैंने वायर को ही डैमेज कर दिया, नहीं बच गया वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा खासा वायर है। यहाँ पर आप इसका वोल्टेज रेटिंग 16 एम्पियर में गाइस, ये प्लग दिखने से तो लगता नहीं है, बट अब लिखा हुआ है, और ये 2000 वाट का है। और हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट साइड से कुछ ऐसा दिखता है, ये A1 ब्रांड का। यहाँ पर इसका इंडिकेटर है ये वाला, और ये इसका ऑन ऑफ बटन, और यहाँ से फ़ैन मोड होता है, जिससे कि आप गर्मी में भी बस मस्त अपना फ़ैन का मज़ा ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर हीटिंग और ये 2 नंबर हीटिंग, और यहाँ पर एक इसका ये प्रीसेट है, ये आप देख सकते हैं गाइस। अगर ये पूरा बंद रहेगा तो इसमें हमारा जो हीटर है वो बंद हो जाएगा, और इसे हमें यहाँ से ऑन करना पड़ता है। आपको एक क्लिकिंग का साउंड भी आ रहा होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये एक फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद इसका हम बैक पैनल के में देखते हैं, तो बैक पैनल में आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये कुछ हीटिंग एलिमेंट्स चारों तरफ, और वो कि डबल हैं। एक हमारा 1000 वाट का है, और दो हमारे 2000 वाट के हो गए,
और यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर भी वो कुछ लिखा हुआ है, A1 फैन हीटर, मॉडल नंबर इसका, वोल्टेज, और ये नवंबर 2022 में बना हुआ है। तो ये हमारा ब्लैक कलर में काफ़ी क्यूट सा है और काफ़ी कॉम्पैक्ट ही है और पोर्टेबल भी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो टेस्टिंग है अच्छे से वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, बट आपको मैं अभी इसे बस एक चला के दिखा देता हूँ ये कैसे चलता है। तो फटाफट से इसे हम एक बोर्ड में कनेक्ट करते हैं गाइस। और इसके लिए गाइस आपका जो 6 एम्पियर वाला जो बोर्ड रहेगा वो काफ़ी थोड़ा भी वर्क नहीं करेगा, टेस्टिंग के लिए बस वो होगा। इसके लिए आपको फ्रेंड्स कम से कम 10 एम्पियर, अगर इसमें 16 एम्पियर लिखा है तो आपको 16 एम्पियर का एक बोर्ड अरेंज करना होगा तो ही ये चलेगा, वरना आपका जो बोर्ड है उसमें हीटिंग के कारण फ्रेंड्स उसमें आग भी लग सकता है, और उसके कारण मैंने अपने रूम का दो दो स्विच भी जला लिया है। तो चलिए अब इसे हम एक अच्छे से एक बोर्ड में लगाते हैं। सो गाइस, इसे मैंने बोर्ड में तो लगा लिया है और हम फटाफट से इसे ऑन करते हैं। तो ये ऑन यहाँ से फ्रेंड्स, इसे मैं पहले यहाँ से ऑन करना होगा, ये इसका जो प्रीसेट है वहाँ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा फ़ैन चल गया इसका, और ये हीटिंग नहीं दे रहा है, और ये बस ये फ़ैन है। आपको इसका साउंड सुनाई दे रहा होगा तो आप सुन सकते हैं। और ये फ्रेंड्स एक AC फ़ैन है, इसमें कोई DC यूज़ नहीं हुआ है। और चलिए फटाफट से हम इसका जो फर्स्ट वाला जो हीटिंग एलिमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये अभी 1000 वाट पर हीटिंग तो दे रहा है और काफ़ी अच्छी इसकी हीटिंग है। और इसका आप जो है इसे रूम में भी लगा के फ्रेंड्स, इसका जो टेम्परेचर है रूम का ये काफ़ी आसानी से ये मतलब बढ़ा देगा। और हम इसे सेकेंड नंबर पर अप करते हैं गाइस। सेकेंड नंबर पर फ्रेंड्स फ़ैन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट गाइस ये काफ़ी अच्छा सा हीटिंग दे रहा है। और यहाँ पर अभी मैं इसे फ़ैन मोड पर चलाता हूँ क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो भी हीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका इंडिकेटर फ्रेंड्स ये, और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको इसका जो टेस्टिंग का वीडियो चाहिए तो मैं उसे अगले वीडियो में टेस्टिंग भी इसे करके दिखा दूँगा, ये कितना डिग्री तक ये हवा फेंकता है, गर्म गर्म हवा, और उसके बाद ये कितना देर में हमारा जो रूम है उसे गर्म करेगा। बस इस वीडियो में हमारा अनबॉक्सिंग था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिर से मैंने हीटर चालू किया है इसका, ये फर्स्ट हीटर है। और ये गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है। और इसे मैं सेकंड नंबर पर कर देता हूँ गाइस, और ये बहुत ज़्यादा गाइस ये बहुत ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है। हमारे रूम हीटर जितना तो ये गर्म नहीं देगा, बट ये हाँ मतलब आप इसके आगे आराम से बैठ सकते हैं, बट उतना हवा है कि आपका ये जो रूम है फ्रेंड्स उसे ये कम से कम 30 डिग्री तक लेके चल जाएगा आराम से। रूम हीटर जो है होता है गाइस आपका वो कम नहीं तो भी आपका वो 100 डिग्री प्लस ही देता है, और वो ज़्यादा दूर तक हीट नहीं पहुंचाता, बट इसमें एक फ़ैन है गाइस तो ये ज़्यादा दूर तक ही भी हीट पहुंचा सकता है। और मैं आपको एक बार इसका जो फ़ैन है उसका स्पीड आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। सो गाइस, फ़ैन टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ सस्ता सा जुगाड़ एक रेडी कर लिया है, तो मैं इसे फ़ैन के आगे रखूँगा और उसके बाद इसका जो एयर फ्लो हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इसे ऑन करते हैं फटाफट से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कूलिंग मोड पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इसका एयर फ्लो है। उतना ख़ास तो मैं नहीं कहूँगा, बट इसका जो एयर फ्लो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका एयर फ्लो गाइस इतना दूर पर भी काफ़ी अच्छा खासा है। बस आपका गाइस ये जो है रूम हीटर, अगर आप इसे हीटिंग पर चलाएंगे गाइस तो ये आपका काफ़ी जल्दी आपका जो रूम है गाइस उसे ये गर्म कर देगा। और यहाँ पर मैं इसका जो हीटर है वो ऑन कर लिया, और हीटर के साथ भी गाइस आप देख सकते हैं इसका एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कूलिंग में इसका जो एयर फ्लो है गाइस वो थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा गाइस, अगर आपको इसे परचेज़ करना है तो आपको इसका जो बाइंग लिंक है गाइस वो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। और ये गाइस ये काफ़ी अच्छा सा एक कॉम्पैक्ट हमारा एक रूम हीटर वर्क करेगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक ले, बाय फ्रेंड्स।